ही ले लेती हूँ एक कैल्शियम की टैबलेट, इसमें कैल्शियम के साथ डी थ्री बताना। मतलब जो बाबू भूषण कुंती में पानी से ले लेना, खाना खाने के आधे एक घंटे बाद। अभी मैंने रात को 12 बज जाते हैं अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसको सुबह पीना है खाली पेट। लेकिन इससे पहले आप एक गिलास सादा पानी भी पी सकते हो, जैसे कि मैं पीती हूँ। उठकर एक गिलास सादा पानी लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने और फिर लेती हूँ अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें मैंने लिया है जीरा, सौंफ और अजवाइन, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चौथाई चम्मच लगभग। उसको अच्छे से उबाला है, थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मैंने उसमें शहद यानी कि हनी ऐड किया है और फिर मैंने इसको छान के ले लिया है अपने कप में। मैंने ये अपना कप बना रखा है, मैं इसी में शेक पीती हूँ जब भी प्रोटीन शेक बनाती हूँ, और इसी में मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ। सबको पता है ये मेरा कप है, इसको कोई नहीं छेड़ता, ये मेरे लिए स्पेशली है, स्पेशली लेकर आई हूँ। क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट कप होते हैं ना, उसमें आप सब लोगों को दिखाई देता है प्रॉपर कि हम लोग क्या खा पी रहे हैं, और जो वैसे वाले कॉफ़ी वाले मग होते हैं ना, खा पी तो उसमें भी लेते हैं बट उसमें ना ठीक से दिखाई नहीं देता, तो फिर ना थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है, प्रॉपर नहीं दिखता। तो आप लोग सोचते हो कि पता नहीं जो हम दिखा रहे हैं वही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, है ना। तो उसके बाद मैंने ये पिया, उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफ़ाई की, नहाई धोई, पूजा की, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज ना संडे का दिन है, तो ब्रेकफास्ट में हनु को पोहा बहुत पसंद है, घर पे था तो मैं ये और पति थे, मतलब हम तीनों ही घर पे थे। तो जो उसकी डिमांड होती है ना हनु की, वही बनती है जिस दिन संडे होता है। तो उसने बोला मम्मी पोहा बनाना, तो मैंने पोहा बना दिया। और उसका एग्ज़ाम है कल, नेक्स्ट डे, तो मुझे आज पूरे दिन उसको पढ़ाना भी है। जब उसका एग्ज़ाम होता है ना, तो वो मेरी रेल बना देता है, मतलब उसको इतनी टेंशन नहीं होती उसके एग्ज़ाम की जितनी मुझे होती है। पूरा दिन ना वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना मुझे सुनाता रहता है अपने पेपर वगैरह का। हालांकि वो बड़ा हो गया है, खुद से याद कर लेता है, बट फिर भी उसको ये लगता है मम्मी आप सुन लेती हूँ ना, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मुझे सब कुछ याद है। इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार, एटलीस्ट पेपरों में तो मैं उसको इतना समय दे ही सकती हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो बच्चे के बाद ही आती हैं, ठीक है। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारा बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में सारा टाइम उसका है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें मैं घर के काम करती हूँ, बीच बीच में से मुझे उठ के करने पड़ते हैं, और बाकी फिर अगर मेरे को यूट्यूब की वीडियो शूट करने का टाइम मिलता है तो करती हूँ। जैसे कि अभी मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो डाल पा रही हूँ, क्योंकि डेली का टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझको, बट जैसे ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं डेली वीडियो भी डालूँगी। तो ब्रेकफास्ट बना लिया था और हम तीनों ने आज एक साथ ही ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि हम तीनों घर पर थे एक साथ। एक साथ ब्रेकफास्ट करने का मज़ा अलग है और अकेले खाने का अलग है, लेकिन साथ में बहुत मजा आता है ब्रेकफास्ट करने में। तो एग्जाम्स हो चुके हैं शुरू हनु के, कल इसका फिजिकल का रिटर्न एग्जाम है, मतलब पीटी से रिलेटेड जो होता है योगा पीटी, उसका रिटर्न पेपर है इसका। कल इसका कंप्यूटर का वाइवा और प्रैक्टिकल हो गया, कंप्यूटर का रिटर्न पेपर हो गया, अब ये चल रहा है। अब इसके डेली चल रहे हैं एग्जाम, इस वजह से ना मैं कुछ दिनों से लगातार डेली की डेली वीडियोस नहीं बना पा रही, बट कोशिश कर रही हूँ कि डेली की डेली वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मुझे ना इसे पढ़ाने में काफी सारा समय देना पड़ रहा है। और मैं बस अभी आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि देखो, जो लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस अगर हम कर रहे हैं तो हमको मतलब ऐसे कुछ अलग से समय निकालना पड़ेगा या फिर जैसे अलग से हम टाइम सेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरह जो हाउसवाइफ हैं जिनको अपने घर की हर जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, हर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उन लोगों को सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे घर के सारे काम हमको करने हैं, कभी कभी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है, और बच्चे के पेपर हैं, एग्ज़ाम है, ये सब कुछ भी हमको देखना पड़ता है। तो ऐसे में आप अपने गोल्स ऐसे रखिए जिनको आप पूरा कर सकें, ठीक है। छोटे छोटे से गोल्स लेकर चलिए आप, और अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालिए कि जैसे कि ये जो वो होते हैं ना चैलेंज, ये उस वक्त लिए जाते हैं जिस वक्त हम अच्छी कंडीशन में होते हैं, हमारी तबीयत ठीक होती है, हम उस वक्त ये चैलेंज वगैरह ले सकते हैं वेट लॉस वाले, ठीक है। जैसे कि हमने 15 डेज का या 1 वीक का या 21 डेज का चैलेंज लिया, जिस वक्त हम पूरी तरीके से तैयार होते हैं कि हमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है ना हमारे दिमाग पे ना हमारे शरीर के ऊपर, ठीक है। कोई भी फिजिकल और मेंटल हमारे पास जब बर्डन नहीं होता, तब हम इस तरीके के चैलेंजेस ले पाते हैं, और जैसे हम चाहें अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को हम वैसे ही सेट कर पाते हैं। लेकिन जब हमें ये सारी की सारी जिम्मेदारियां भी निभानी होती है ना, कि हम घर के काम में भी बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, वो भी हमको सारे के सारे काम करने हैं, और उसके साथ साथ बच्चे की पढ़ाई वगैरह भी देखनी है, घर का काम भी प्रॉपर देखना है, तो ऐसी कंडीशन में ना
आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को तो आपने जो सुधारा है, जो आपने ठीक किया है, आप उसको वही रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, जैसे आपको उसका टाइम नहीं मिल रहा, वैसे मैं तो ऐसे टाइम पर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और मैं इसे पढ़ाते में ना बीच बीच में अपने काम वगैरह भी करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने इसे बोला कि एक चैप्टर याद कर, तब तक मैं खाना बनाकर आती हूँ, या मैं जब तक रोटियां सेक कर आती हूँ, या मैं जब तक बर्तन माँज के आती हूँ, जब इसके एग्जाम्स होते हैं तो मैं इस तरीके से ना बीच बीच में उठ उठ के काम करती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में पूरे पूरे दिन पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सिलेबस बहुत सारा होता है, और जो भी होता है स्कूल से आने के बाद का टाइम, नेक्स्ट डे इसके डेली पेपर होते हैं, मतलब नो छुट्टियां बीच बीच में, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि मुझे फिर पूरा का पूरा दिन ना खाने के साथ साथ इसको भी देना पड़ता है। क्योंकि देखो, सफाई का काम सुबह हो जाता है, ठीक है, कपड़े भी दिन में एक बार ही धुलते हैं, लेकिन खाने का प्रोसेस दिन में 3-4 बार चलता है, उसको बार बार बनाना पड़ता है, तो बार बार बर्तन भी होते हैं, बार बार किचन भी साफ करना होता है, लेकिन उसके बीच में जब बच्चे को पढ़ाना भी होता है ना, तो फिर बीच बीच में उठ उठ के जाना पड़ता है। और इसी तरीके से मेरा चलता है काम, कभी कभी तो मैं किचन में भी काम करते करते भी इसको पढ़ाती हूँ, ये वहीं पर अपनी चेयर लेकर बैठता है, मुझे सुनाता जाता है, और अपना मैं काम भी करती रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना हैंडल करनी पड़ती हैं, और इन सब चीज़ों को हैंडल करना आना भी चाहिए। जो लोग इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते ना, वो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपने वेट लॉस को लेके, अपने फैट लॉस को लेके, और भैया वही सब ना, मतलब जितना हम बोलते हैं ना कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, तब आपका अच्छे से वेट लॉस होगा, लेकिन अगर इन सब चीज़ों का टेंशन ले लोगे, तनाव ले लोगे एग्जाम टाइम में, भाई बच्चे को तो पढ़ाओगे ना, जिन लोगों के बच्चे मेरी तरह बड़े हैं, जिनकी पढ़ाई वगैरह अच्छे से सेट है, तो उनको तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना। अगर एग्जाम टाइम में ऐसा है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आपको समय नहीं मिल पा रहा, या फिर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो टेंशन नहीं लेना है। ईटिंग हैबिट्स अपनी वही रखनी है, चबा चबा के खाना है अच्छे से। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, जैसे मैं डेली नहीं कर पा रही, तो टेंशन नहीं लेनी, वेट लॉस फैट लॉस होगा जरूर आपका। देखो, ये जो हमारी वेट लॉस जर्नी है, ये कोई एक दिन की, दो दिन की नहीं होती, ना ही ये होती कि हमने 15 दिन में 20 दिन में एक महीने में अपना वजन कम कर लिया और अभी वजन जीवन में कभी बढ़ेगा नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। वजन 1-2 किलो इधर उधर चलता रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। जैसे मैं तो अपनी वेट लॉस जर्नी लगभग कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है, मैंने अब तक लगभग अपना 21 kg वेट लॉस कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 21 पे ही अटका रहता है, कभी कभी 1-2 किलो मेरा बढ़ जाता है वजन, और फिर मैं उसको वापस से लॉस करती हूँ, लेकिन मतलब जो भी है ना, मुझे इस वक्त लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा वेट लॉस इतना हो गया है, इतना ही बस मुझे मेंटेन करके रखना है, तो बस वही है, मैं वही सब कुछ फॉलो करती रहती हूँ। और क्या क्या मैंने आपको किया अपनी वेट लॉस जर्नी में, क्या क्या मैं अब भी फॉलो करती हूँ उसको मेंटेन करने में, ये सब कुछ ना मैं आप सब लोगों को बताती रहती हूँ। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। और आप सब लोग मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं कि हम हाउसवाइफ को सब चीज़ें मैनेज तो करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ के पीछे लग के हम बाकी की चीज़ों पर तो मतलब ऐसा नहीं होता कि ध्यान देना नहीं छोड़ सकते, कि वेट लॉस करना है तो वेट लॉस ही करना है। हाँ, जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिनके या तो बच्चे नहीं है या हस्बैंड नहीं रहते बिल्कुल भी, वो लोग अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक वेट लॉस कर सकते हैं, और अपने मन मुताबिक अपने पूरे दिन का ना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, पूरा डाइट प्लान सेट कर सकते हैं। बट मेरा तो डाइट प्लान भी सेट नहीं हो पाता, क्योंकि मान लो मैंने बना ली तोरी की सब्जी, मेरे बच्चे को नहीं पसंद, वो कहेगा मम्मी मुझे टमाटर आलू खाना है, तो फिर मुझे उसके लिए टमाटर आलू बनाना पड़ता है। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि मैं अपने लिए 2 तोरी काट के तोरी की सब्जी बनाऊं और फिर मैं उसके लिए 1 आलू काट के टमाटर आलू बनाऊं, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो फिर वही है, मैं भी टमाटर आलू ही खाऊंगी, मुझे भी वही चीज़ें खानी पड़ती हैं जो पतिदेव बोलते हैं, जो मेरा बेटा बोलता है, जो सब लोग बोलते हैं कि ये खाना है, फिर वही सब कुछ मैं खा लेती हूँ। तो बस वही है कि ईटिंग हैबिट्स आपको अपनी ऐसी रखनी है, खाने को बस अच्छे से चबा चबा के खाना है, डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है, डिटॉक्स चूर्ण लेना है, और बहुत जल्दी ना मेरे डिटॉक्स चूर्ण वगैरह सब खत्म हो चुके हैं जो मैं वेट लॉस के लिए खा रही हूँ, बस 1-2 चम्मच रह गया है, तो मेरे को मॉर्निंग वाला भी बनाना है डिटॉक्स चूर्ण, और रात को जो मैं नाइट में खाती हूँ सोने से पहले, मुझे वो भी बनाना है। तो मैं हालांकि उसकी वीडियोस आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट तब वो ना मेरा बना हुआ था तो मैंने आपको चूर्ण दिखाया था, बट अभी मैं फिर से बनाऊंगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्दी ही मैं उसकी वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसे देखना, बनाना जरूर, और जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे ही खाना। सब कुछ खाने के बाद भी ना आपका वजन जरूर कम होगा। अगर आपका वजन नहीं कम हो रहा, इसके पीछे का मेन रीजन मेटाबॉलिज्म है आपका, आपका जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और उसी वजह से आपका फैट लॉस और वेट लॉस नहीं हो रहा।
तो जो मैं आपको चूर्ण बताऊंगी उसको जरूर लेना, उससे बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। तो चलो मैं इसे कंटिन्यू कराती हूँ पढ़ाना, बाकी फिर दोपहर का लंच भी बनाना है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना, मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर। ब्रेकफास्ट के आधे एक घंटे बाद मैं लेती हूँ एक कैल्शियम की टैबलेट, इसमें कैल्शियम के साथ D3 भी है, और एक मैं लेती हूँ विटामिन B12 की टैबलेट जिसको बोलते हैं नीरोकाइंड, ठीक है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, और जो लोग भी ना न्यूरोबियन के नाम से मिल जाती है, ये न्यूरोबियन पोर्ट, ये ज़रूर लेना चाहिए। जिन लोगों को भी हाथ पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, नसें सुन्न सुन्न सी लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथ पैरों में चीटी सी रेंग रही हैं, BP अगर ज़्यादा लो रहता है, और आपका वेट किसी भी रीजन से कम नहीं हो पा रहा ना, एक बार आपको अपना D3 का, कैल्शियम का और B12 का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कभी कभी इन चीज़ों की कमी की वजह से भी ना हमारा वेट कम नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं, मेरे अंदर रहता है कैल्शियम, आयरन, D3 और B12 की कमी, तो मैं टाइम टाइम पर इनके सप्लीमेंट्स लेती रहती हूँ। तो आप लोग भी एक बार अपनी बॉडी टेस्टिंग ज़रूर कराओ, साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे जो भी कमी है बॉडी के अंदर उसको हम पूरी कर सकें, और इस वजह से अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हैं और हमारी बॉडी थकावट फील करती है या फिर कोई भी परेशानी, तो हम उसे दूर कर सकें। फ्लिपकार्ट से ना मैंने मंगाया है ये ब्लाउज, रानी कलर का ब्लाउज है ये, और इस पर वर्क हो रहा है। अभी मैं इसे खोल नहीं रही क्योंकि अभी मुझे ना इसकी ओपनिंग वीडियो बनानी है, और मैं आप लोगों को इसे पहनकर भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, तो आप उसमें देखना। वैसे आपको ये कलर कैसा लगा ये बताना। वेलवेट का ब्लाउज है और इसमें ये गोटे का वर्क हो रहा है अंदर से पूरा प्रॉपर, तो बहुत अच्छा है पार्टी वेयर के लिए। और कितने रुपए का मंगाया है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, शॉर्ट वाली वीडियो में, तो वेट करना उसका, जल्दी ही बनाऊंगी और इसे पहन के भी दिखाऊंगी। तो मैं ना हनु को पढ़ा भी रही थी साथ में, और बीच बीच में ना सारे के सारे काम कर रही थी, और आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी वीडियोज़ भी शूट कर रही थी। तो ये लगभग ना 3 बजे का समय है, हनु को पढ़ाते पढ़ाते 3 बज गए थे, और उसने कहा कि मम्मी अब भूख लग रही है, पतिदेव भी बोल रहे थे कि यार खाना बना दो। तो ना एक दिन पहले दाल चावल बनाए थे, किसी ने मुझसे चैनल पर ये पूछा था कि दीदी आप रोटी ही खाते हो, दाल चावल नहीं खाते। नहीं यार ऐसा नहीं है, दाल चावल भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, मैं तो सब कुछ खाती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि लगातार, जैसे एक एक दिन छोड़ के अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जिस दिन चावल बने उस दिन का मैं शूट नहीं कर पाई है ना, और जिस दिन रोटी बनी उस दिन का मैंने शूट कर लिया, क्योंकि कभी कभी शूट कर पा रही हूँ, कभी कभी नहीं कर पा रही। तो ऐसा नहीं है, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे ना चैनल पर, तो आप देखोगे मैंने खूब चावल खाया है, मैं खूब चावल खाती हूँ, अब भी खाती हूँ, जो भी बनाती हूँ ना सबके लिए वही खाती हूँ। मैं ऐसे अपने लिए अलग कम ही बनाती हूँ, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिलता ना बिल्कुल भी ऐसे अलग से अपने लिए बनाने के लिए। लंच का टाइम, तो ये मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं, सेब और प्लम, मतलब जो बाबू गोशा बोलते हो आप लोग वही, और दाल ना मैंने कल दाल चावल बनाए थे, काली वाली दाल चावल, तो दाल बच गई थी, तो इसको गर्म कर रहे हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं आज, कल फिर मंडे है तो फास्ट है। और रोटियां सेक के रख दी थी, और संडे है आज, तो मैं, हनु और हनु के पापा, हम तीनों साथ ही खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो एक साथ ही खाना ले जा रही हूँ फिलहाल। तो अभी मैंने अपनी ऐसे कुछ प्रॉपर थाली नहीं लगाई कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ आज, क्योंकि आज सुबह से सब घर पर ही हैं, तो सब कुछ साथ ही चल रहा है, तो अपनी अलग से क्या थाली लगाऊँ। और मैं ना सुबह से हनु को पढ़ा रही हूँ, तो फिर वही चल रहा है सब कुछ, मतलब जैसे भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाता कुछ भी, जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। बट हाँ, खाना खाने से पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगी अच्छे से, देन उसके बाद खाऊंगी खाना, वही साथ में खाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग भी बताना आप लोगों ने आज दोपहर पर लंच में क्या खाया। मैंने तो काली वाली दाल, काली मसूर जो होती है जिसे कुल्थी की दाल कहते हैं वो, और रोटी, फ्रूट्स और दही लूंगी अभी थोड़ा सा नमकीन साथ में। तो चलो एंजॉय करते हैं लंच को। रात के बज रहे हैं लगभग 10:45, और अभी मैं कर रही हूँ प्रेस, आधे कपड़ों पर मैं प्रेस करके रख चुकी हूँ, लाइट चली गई थी तो वो मैंने हटा दिए थे, और हनु अभी भी पढ़ रहा है, देखो लास्ट चैप्टर चल रहा है इसका, बस 2 पेज रह गए हैं, और अभी हम लोग रात को भी पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना है रिवीजन करने के लिए। तो लाइफ बड़ी हेक्टिक हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम में। और अभी मैं खाने के लिए जा रही थी ये वाला अपना वेट लॉस चूर्ण, रात को मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ, ये बस इतना सा रह गया है, ख़त्म ही होने वाला है मेरा, मैं दोबारा से बनाऊँगी तब मैं उसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग रात को इस तरीके से कोई भी वेट लॉस चूर्ण या फिर वेट लॉस ड्रिंक लेते हो क्या? इसका लगभग आधा चम्मच लेना होता है, बस ये बहुत ज़रा सा रह गया, आप देख ही रहे हो, बस शायद 1 वीक करीब चलेगा, उसके बाद तो मुझे ये बनाना ही है, तो बनाऊँगी तो आप सब लोगों के साथ जल्दी से वीडियो शेयर करूँगी। और ये रहनु पढ़ते हुए,
चलो आधा चम्मच इसको लेते हैं। मैं तो सादा पानी से ही ले लेती हूँ, अभी तो मौसम मतलब गर्म ही है, और ठंडों में अगर ले रहे हो तो थोड़े से गुनगुने पानी से ले लेना। खाना खाने के आधे एक घंटे बाद आपको ये चूर्ण ले लेना है सोने से पहले, और अगर आप दूध वगैरह पीते हो तो पहले उसको भी पी लेना, उसके बाद इसे लेना, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको खाने के बाद रात को कुछ भी नहीं लेना है। तो चलो आधा चम्मच ले लेते हैं पानी के साथ। तो अभी तो मुझे सोने में ना रात को 12 बज जाते हैं, अभी हनु के पापा आए नहीं हैं, आएंगे वो अभी, कहीं काम से गए हुए हैं, तो उसके बाद दूध वगैरह करूँगी फिर सो जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और एक्सरसाइज वगैरह मेरी अभी कुछ नहीं हो पा रही, थोड़ा बहुत मुझे समय मिल रहा है तो मैं बीच बीच में कर पा रही हूँ, बट कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो वो अभी इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तभी शायद मेरी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू हो पाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसके एग्जाम्स के बाद ना जुम्बा शुरू किया जाए, एटलीस्ट आधे घंटे का जुम्बा मैं डेली समय निकालूँ उसके लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है? जुम्बा अभी पहले फटाफट से इसके एग्जाम्स खत्म होने की जल्दी है बस मुझे, कि एग्जाम्स इसके खत्म हो जाए और मैं थोड़ा फ्री हो पाऊँ। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।